प्रशासन ने कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को शांति भंग की आशंका से 50 लाख से लेकर 50,000 का मुचलका भरवाने के लिए भेजे नोटिस। संबल में कृषि बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे 6 किसानों को भेजे गए नोटिस। प्रशासन की इस कार्यवाही से किसानों में रोष। संबल तहसील के SDM दीपेंद्र यादव की ओर से किसानों को जारी किए गए मुचलका भरवाने के लिए नोटिस। जनपद संबल में जिला प्रशासन ने 12 किसानों के खिलाफ 5 लाख रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक के मुचलके नोटिस भेज दिए हैं। उत्तर प्रदेश के संबल में शांति भंग की आशंका के तहत किसान नेताओं को 50 लाख से लेकर 50,000 के पर्सनल बॉन्ड का नोटिस जारी किया गया है। संबल के किसान नेताओं को 50 लाख रुपए पर्सनल बॉन्ड जारी किया गया है, उस पर आपकी क्या राय है? हमारी राय ये है, 50 लाख ना 5 करोड़ कर दें। किसान नेता और किसान इनसे डरने वाले नहीं है, ये हमारे आंदोलन को लोगों को डराने के लिए। हम लोग जिंदगी आंदोलन करते होंगे, हमारा कोई भी नेता बॉन्ड नहीं भरेगा। प्रशासन जो चाहे करे, और जिस नेता के हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी उसी SDM के हम आंदोलन होगा। संबल में 50 लाख रुपए का नोटिस 6 किसान नेताओं को जारी किया गया है, जिसमें अधिकांश भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं। ऐसा है, सिस्टम क्या है कि संबल का प्रशासन ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, और 50 लाख के लिए हमने पहले कही थी, हमारे जो नेता हैं हम पर कितने मुकदमे लग गए। अरे हमारा काम ही ये कानून तोड़ना है, सरकार नहीं सुनेगी तो। हम किसी भी परिस्थिति में, हमारा कोई भी कार्यकर्ता पर्सनल बॉन्ड नहीं भरेगा ना रुपये भरेगा। और जिसे अधिकारी में हिम्मत है, हम देखते हैं कि कैसा हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई। हमारे कार्यकर्ताओं ने ना तो चोरी की, ना कोई डकैती की, ना कोई तोड़फोड़ की, ना कोई शांति व्यवस्था भंग की है। ये केवल दबाने के लिए शासन प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो रही है, इसका हमारे किसान यूनियन कार्यकर्ताओं को कोई फर्क नहीं। वो भी डिस्ट्रिक्ट संबल में, संबल तहसील में ये किया जा रहा है। इस आंदोलन से निपटने के बाद उनसे भी बात की जाएगी। और 14 तारीख में संबल में कुछ लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया था, उसमें 5 लोगों पर 50-50 लाख का जुर्माना किया है और 6 लोगों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। क्या हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि किसी भी जुर्म के खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं, पर आज ये एक इतना बड़ा जुर्म हो गया है कि उसके खिलाफ आवाज उठाने पर हमारे ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। क्या ये इतना बड़ा जुर्म है, आवाज उठाना किसी भी कानून के खिलाफ, किसी भी जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि इतने बड़े बड़े जुर्माने लगाए जाएंगे? ये आंदोलन पूरे भारत में चल रहा है और सिर्फ संबल जिले में ही सरकार ने लोगों पर इतना बड़ा जुर्माना लगाया है। ये जो किसानों के लिए 50-50 लाख का जो है बॉन्ड भरने का जो है सरकार ने नोटिस भेजा है SDM के द्वारा, ये क्या मामला है माता? मैं ऋषिपाल सिंह यादव, भारतीय किसान यूनियन अराजक असली राष्ट्रीय प्रमुख सचिव। ये 50 लाख का, 1 करोड़ का भी भेज दें, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा आंदोलन करना, हक मांगना। ये जो 3 अध्यादेश गवर्नमेंट लाई है, इनको वापस ले लें। ये आनाकानी करेगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। इन बांडों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लाखों की संख्या में, सीमा पर भी हमारे जवान हैं, आंतरिक सुरक्षा में हमारे जवान हैं। इन्हीं औकात क्या है, क्या सब कुछ तो हमारा है। हम 80% हैं, 80% को 20% दबाना चाहते हैं, ये दबने वाले नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि किसानों का अधिकार है आंदोलन करना, लेकिन ये सरकार सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होगी जो बांड करें हम लोगों को। हम इस कानून को मानने वाले बिल्कुल तैयार नहीं है। हम लाखों मर जाएं, कितने मर जाएंगे, हम करोड़ों में संख्या में हम लोग दबने वाले नहीं हैं। हम लोग आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जय जवान, जय किसान।